नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग अग्निसागर और सागर माथा के रचयिता डॉक्टर श्याम सिंह शशि के साथ वार्ता करेंगे, इन पुस्तकों के पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए खुद डॉक्टर श्याम सिंह शशि हैं, जाने माने साहित्यकार और अब तक 400 से भी अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं हिंदी इंग्लिश में। और इसके लिए इनको राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं, इनकी पुस्तकों को कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और ख़ासकर अग्निसागर एक ऐसा महाकाव्य है जिसको कामायनी से तुलना की जाती है और तुलनात्मक अध्ययन कई विश्वविद्यालयों के छात्र किए हैं। सो अग्निसागर के विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर श्याम सिंह शशि से उनकी साहित्यिक जो यात्रा रही है उसके बारे में जानेंगे और तब हम लोग उनकी कृतियों के ऊपर चर्चा एक एक कर चर्चा करेंगे, ताकि एक व्यक्तित्व जो साहित्य के प्रति समर्पित है उसके उसकी ओर देखने को एक मौका मिले और खुद उनके से सुनने का और सीखने का मौका मिलना ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। सो मैं शुरू करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर श्याम सिंह शशि को कि पहले अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में बताए, कैसे ये शुरू हुई और किस मुकाम तक पहुँची है। वेलकम सर। धन्यवाद अमरेंद्र जी। मैं आपको अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में यदि बताना शुरू करूँ तो मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है। मैं एक गाँव से आया हूँ, हरिद्वार के पास का गाँव, और पैदल यात्राएं हुआ करती थी। प्रकृति का प्रांगण जहाँ हमारे लिए क्रीड़ा स्थल था, और उन खेत और खलियान जो हमारे जीवन के अंग बने थे, तो उस बच्चे को देखेगा वो क्या लिखेगा। तो इसीलिए मैट्रिक के जिस समय मेरी कक्षा में पढ़ता था मैं, तो मुझे लगा कि ये खेत और खलियान क्या दे रहे हैं। और वह कविता पहली कविता थी जो प्रकाशित हुई लाल सवेरा में। दिनकर जी ने उसको बहुत सराहा था। मैं समझता हूँ कि शायद आरंभ वहीं से हुआ। और वो कविता अगर मैं शुरुआत करूँ क्या? जरूर जरूर। क्योंकि मैट्रिक के विद्यार्थी से बात कर रहे हैं इस समय आप। आज क्या श्याम सिंह शशि जिस रूप में आया है, वह किस तरह की कविताएं लिखा करता था। जीवन में मेरी आग लगी, उर्क्रांति ज्वाल से धधक उठा, स्वर में मारू का गान भरा, मन में बड़वानल भबक उठा। कर्मे मेरे हैं मचल रही, नागिन से हलचल बल खाती, पग स्वयं बढ़े जाते पथ पर, विस्तार बढ़ाती है छाती। विश्वकुंभ पान करके अब मैं शिव नृत्य करूं, प्रलय कर दूं, ये ऊंचे ऊंचे राजमहल क्षण में वसुधा में लय कर दूं। जो मेरे शौर्य से बलते, जिनमें मेरे अरमान मरे, मेरे लालों का टूक छीन, साकी प्यालों की खान भरे, मेरे श्रम को छीना जिससे चल रही कार हैं इठलाती, इन ग्रामोफोन रेडियो में मेरी आहें ही भर राती। उन दिनों ग्रामोफोन हुआ करते थे, तो दिन रात परिश्रम करने से तो ग्रास मुखों तक जाते हैं, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, अब ब्याज चुकाए जाते हैं, अब नहीं सकूंगा सह ये सब, एक ऐसी आग लगाता हूँ जिसमें धू धू जलता शोषण, लो लाल सवेरा लाता। अब इस कविता से आरंभ होता है और लाल सवेरा अग्निसागर पर आकर के टिकता है, सागर माथा पे आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरी यात्रा की बात आप मुझसे करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद वो प्रकृति की जो प्रांगण में खेलने वाला बच्चा और आज का जो श्याम सिंह शशि है, उसमें जो अंतर आया है वह एक उत्तरोत्तर विकास का रूप है, जिसमें मुझे शिलानगर में मेरी जो पुस्तक है वो ये शिलानगर में ये सबसे पहला चर्चित संग्रह था। उसके बाद ये लहू के फूल बड़ा चर्चित संग्रह रहा है। शिलानगर में शायद कोई भी ऐसा महापुरुष या महाकवि
या जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं उन्होंने नहीं लिखा हो, बहुतों ने सुमितानंदन पंत से लेकर के और भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, हरीशा बच्चन, इन सब लोगों ने उन पर लिखा। रामधारी सिंह दिनकर की तो बाद में बता ही चुका हूँ मैं आपको। तो ये सारा मेरा जो काव्य था, काव्य की यात्रा थी, काव्य का सफ़र था, वह मुझे फिर विश्व की यात्रा में ले गया। और फिर मैंने रोमाओं पे काम किया, हिमालय के अजावरों पे किया, मतलब एक बड़ा लंबी लंबी यात्राएं हैं उसमें। तो फिर मैं आपको इतना लगेगा कि ये कैसे संभव हो सका, क्योंकि मुझे तो जॉब भी करने थे, काम भी करना था, ये नहीं खाली लिखना ही लिखना था। लेकिन ये मेरा पैशन बन गया, एक मिशन बन गया, जीने का एक साधन बन गया कि नहीं, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से करीबन जो देश विदेश की यात्राएं हुई, मैं सोचता हूँ कि आज एक सपन सा लगता है कि कैसे सब संभव हुआ। पर ये इसलिए था क्योंकि एक जीवन का एक संयम नियम बना हुआ था, और संयम नियम एक उत्तरोत्तर उसका भी विकास होता रहा, और मैं जीवन को अपने ढंग से जीता रहा। मैं समझता हूँ कि शायद जो मेरे बहुत सारे समकालीन मित्र थे वे सब जानते हैं कि मैं आज भी 10-10, 12-14 घंटे तक मैं काम करता हूँ इस उम्र में भी। नहीं, सही बात है। और जिस तरह से आप बताएं कि आपका साहित्य की यात्रा वहाँ से उस कविता से शुरू हुई, और निश्चित तौर पर राष्ट्रकवि जब रामधारी सिंह दिनकर किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आगे की यात्रा तो सुगम हो ही जाती है, लेकिन वहाँ उसको स्टार्ट करने के प्रति आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप इस झुका हुआ साहित्य के, कहने का मतलब साहित्य के संसार में आपकी एंट्री कैसे हुई, अंदर के कौन से प्रेरणा थी जिसके कारण आप साहित्य में प्रवेश किए? मैं अगर आप मुझे आज्ञा दें तो एक पैरा में पढ़ना चाहूँगा जो मेरे सागर माथा में, जिसकी मेरे मैं और मेरी कविता। तो इससे आपको लगेगा कि सचमुच जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ अपने आपके दर्शकों को भी। मैंने कृषक परिवार की बात कही थी, टी टी टूट टूट के मेरा अंतर्मन किसी अदृश्य लोक में खो जाया करता था उन दिनों। उषा की लालिमा मेरी लेखनी में प्रभाव भरती और गोधूली एक जीवन दर्शन दे जाती। गांव का नैसर्गिक परिवेश मुझे कल्पना के पंख देता और खुला आकाश उन्मुक्त उड़ान का सहचर बनता। तब हम समय के सम्राट होते और जब चाहे जो चाहे लिखते, गाते, सुनाते। हाँ, तब राष्ट्रीयता, देशभक्ति, स्वदेश तथा मानव प्रेम मेरे शब्द मेरे जहन में ऐसे उतर आए थे जो अब तक सुरक्षित हैं और ये यही लेखन के स्रोत भी बने। और इसके साथ ही एक और मैं कहना चाहूँगा, प्रकृति, मैंने कभी कहा था प्रकृति का विस्तृत प्रांगण पुरुष नारी परिवेश समाज आदिवासियों से लेकर संभ्रांत वातावरण तक मीठे कड़वे अनुभव संपर्कों संबंधों की तलखियाँ अनंत यात्रा पथ एक अतृप्त प्यास और मेरे भीतर छिपे ज्वालामुखी में युग युगों से धधकती आग यही कहीं है मेरी कविताओं की परिधि विहीन प्रेरणा का आकाश। ये मैं इसलिए बताया आपको पढ़ करके कि बड़ा भारी कवि को जीना पड़ता है तभी वो लिखता है, उसके भीतर से कितनी उसमें वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं और आग होती है जो जो अपना रास्ता खुद ढूंढती है और उसके उसी उसी के लिए भी शायद वो अग्निसागर तक पहुँचता है। एक तरह से देखते हैं जिस तरह कि आपके कविता के केंद्र में या साहित्य के केंद्र में प्रकृति, क्योंकि आप प्रकृति एक तो हरिद्वार से आते हैं जहाँ नेचर का पूरा आशीर्वाद है बिल्कुल, तो वहाँ से आते, तो उसके कारण प्रकृति भी है या प्रकृति अंदर की जो भी आपकी प्रकृति है वही प्रकृति के खोजती है, इसीलिए आप बाहर देश के देशों में भी गए, वहाँ से बाहर हैं फिर भी प्रकृति को आपने नहीं छोड़ा, केंद्र प्रकृति इसका क्या कारण रहा, आप कैसे आप इसको आंकते हैं? देखिए, प्रकृति तो एक एक ऐसा जिसे कहना आलंबन है कविता के लिए। अब जब कवि देखता है मोर नाच रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और पक्षी इर्द गिर्द आपके दिखाई पड़ रहे हैं, और उधर से कहीं आकाश से आपको रात्रि है तो चंद्रमा का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है,
दिन में तो दिल्ली में तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता ना, ना कुछ चांद दिखाई पड़ता है। दिन भर आप दफ्तरों में बैठे रहते हैं या रात को ऐसे मकानों में सोते हैं रहते हैं जहाँ चांद का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के वातावरण को जब कवि जीता है और वो जो उसकी जो लेखनी है उसमें वो प्रेरणा देते हैं, ये सारे जो आलंबन हैं ये सारे काव्य के एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक माध्यम भी बन जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद ये सब ना हुआ होता तो मैं भी केवल नगरबोध की कविताएं लिखता। नगरबोध की कविताएं तो मैंने वो तो लिखना स्वाभाविक था, 30-40 वर्ष से मैं महानगर दिल्ली में रह रहा हूँ, इसलिए शिलानगर में जो आपने आपको बताया मैंने ये सब रिएक्ट किया मेरे कवि को। और मैंने देखा कि मैं जिस समय गांव में था या गांव की कल्चर से निकल के आया, फिर छोटे कस्बों से छोटे शहरों से हम लोग जब आए और जब इस महानगर में बैठे तो यहाँ की संस्कृति को देखा तो बड़ा विचित्र लगा कि यहाँ तो बिल्कुल ही एक अजीब सा वातावरण है जिसको हम जीना चाहते हैं और शायद जीना नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि जीना तो विवशता है। इसलिए मैंने गांव पर भी कविताएं आज भी लिखता रहता हूं मैं, और आज भी कभी कभी जब मन करता है तो जंगल की ओर चला जाता हूं और मेरा वो जीवन शायद मुझे लगता है कि वन मेरे भीतर कहीं सुरक्षित है। हम लोग अग्निसागर पर आएंगे, उसके पहले एक प्रश्न और करना चाहूँगा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बहुत ही ऊँचे अधिकारी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम किए, तो काम करना और साहित्य सृजन करना दोनों में एक बहुत ही मुश्किल काम है, उस सामंजस्य बिठाना आसान काम नहीं है। तो एक वर्क कल्चर और एक साहित्य का कल्चर दोनों में आपने सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया? जी ये ठीक ऐसा ही प्रश्न, जिस समय मुझे पद्मश्री से अलंकृत किया गया तो और मेरे विभाग ने मुझे सम्मान दिया तो मेरे मंत्री ने पूछा ये सवाल कि आप किस तरह से अपना सामंजस्य करते हैं और इतनी किताबें लिख लेना। उस वक्त तो मेरी पुस्तकें 100 के करीब थी, रिटायरमेंट के बाद फिर 300 किताबें आई हैं। सर मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था क्योंकि उस समय चाहिए था मुझे, लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो मेरे मंत्री ने जब प्रश्न किया कि आपको आपका दफ्तर का काम भी कहीं सफ़र नहीं कर रहा है, वो भी ठीक चल रहा है, और उसके बावजूद आप इतनी किताबें लिख रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है अगर आप दफ्तर में समय नहीं देंगे अपने लेखन को? तो मैंने कहा था, वो ने व्यंग में कहा था असल में, मैंने कहा 24 घंटे प्रकृति ने या नेचर ने या प्रभु ने हर व्यक्ति को दिए हुए हैं, लेकिन 24 घंटे का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे अगर रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप फ़ोन करेंगे तो शायद मैं कहूँगा मैं कुछ लिख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, रात्रि मेरी अपनी होती है। दिन भर मैं 8-10 बजे तक दफ्तर में बैठता था, उसके बाद जब घर जाता था तो लिखता था, और यात्राओं में बहुत लिखा मैंने। हवाई जहाज़ में बैठा हुआ तो मेरी कलम रुकती नहीं थी, यहाँ तक कि मेरा हवाई जहाज़ का एक बार अपहरण हो गया था, यहाँ 1993 की बात है, 92 की बात है, उसमें भी मैं लिख रहा था बैठा हुआ, मुझे कोई भय नहीं था, कुछ नहीं था। वो एक अलग कहानी है, वो तो छपा था, एक लेख छपा था, सैकड़ों जाने अभरता और एक कलम, और अंग्रेजी में भी छपा था, वो ब्रश विद डेथ करके छपा था। तो ऐसे बहुत सारे हादसे मेरे साथ गुजरे हैं, मैंने दुनिया भर की यात्राएं जब की हैं तो उसमें भी मुझे लगा कि नहीं, लेखन आपके साथ साथ चलता रहता, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कोई रोक रहा है आपको, क्योंकि क्लब लाइफ या तो आप क्लब में बैठें गप्पे लगाएं जा करके, या अपनी दूसरी आदतें पकड़ लें, और या फिर आप अपने लेखन में, तो लेखन मेरा सहचर है, मैं मेरी लेखनी मेरी आज भी मुझे इस उम्र में भी जब मैं 70+ हो गया हूँ और उसमें मुझे लिखना रात भर में अभी भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अमरेंद्र जी ये तो जीवन के साथ आप बांध लें, कितना समय आप देते हैं, किस काम के लिए देते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिली या आप खुद उसको भी कर लिए, क्योंकि कभी कभी होता है साहित्यकार वहीं से पनपता है जब परिवार की पृष्ठभूमि वैसी हो जी। तो इस पर भी थोड़ी जानकारी श्रोता को मिले तो अच्छा होगा, आपके रचनाओं को पढ़ने में उसे सहूलियत प्रदान मिलेगी। जी देखिए, मुझे मैं तो एग्रीकल्चर फैमिली से आता हूँ, अब गांव में तो आप जानते ही हैं कि किसान बेचारा कितना हार्ड वर्क करता है, कितना परिश्रम करता है, और उन दिनों तो क्या हालत होती थी आप जानते हैं, उस समय बिजली नहीं होती थी, हम लोग भी लालटेन में पढ़ा करते थे, यानी वो तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो कहते ही हैं कि वो पैदल चलते थे, हम लोग भी पैदल चला करते थे, 6 मील मेरे गांव से
हरिद्वार पढ़ता था, तो वहाँ स्कूल आसपास होते नहीं थे, तो वहाँ जब जा रहे हैं तो आपका अब सोचिएगा कितनी कितनी कठिनाइयाँ होंगी। लेकिन उसके बाद भी ये था कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, मैं टॉपर था हमेशा ही रहा अपनी क्लास में, और मुझे लगता था कि अगर सुबह उठा जाए, या उस वक़्त मेरी दिनचर्या अलग थी, उस वक़्त मैं जल्दी सो जाता था, और सुबह को 4 बजे उठता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। उसके बाद शनि शनि चूँकि समय ऐसा आता है, फिर आप जो है ना, आपका समय आपके आप समय से बंद नहीं सकते हैं, फिर जो भी मूड बना रात्रि का समय, लेकिन रात तो आपकी अपनी है, उसमें तो आप लिखेंगे, दिन में आप दफ्तर में काम कीजिए, सरकारी नौकरी कीजिए, कहीं जाइए। तो मैं तो उनके लिए भी कहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं, कहते हैं जी समय नहीं मिलता, जी समय गलत बात है, समय सबके पास में है। अब आपके तो सैकड़ों कृति हैं, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक कृति अग्निसागर, जी ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी साहित्य का वो मुकाम है जिसे लांघना आसान नहीं है, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल का कार्य है। लेकिन जब आपके अग्निसागर को देखता हूँ और जिस प्रकार इस पर काम हुए हैं, विभिन्न विश्वविद्यालय में काम हुए हैं और तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो ये तो निश्चित तौर पर हो गया कि उसके समकक्ष पहुँच गया, तुलनात्मक अध्ययन हुए। तो इस रचना के प्रति सोच, दर्शन, क्योंकि एक साहित्य का सभी जो विधाएं होते हैं उसको समेटने का काम, तभी महाकाव्य, इस तरह के महाकाव्य को रचना की जा सकती है, वरना नहीं संभव है। तो इसका पृष्ठभूमि क्या था, इसके साथ साथ चलने का, काव्य के साथ साथ चलने का, व्यक्ति जो चलता है उसकी क्या उस समय दशा, मनोदशा क्या रही, और जब निकल कर आया, तो ये तीनों पहलुओं पर आप प्रकाश डाले तो हम लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। जी हुआ ये कि जिस समय मैं 9th में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ साहित्य सम्मेलन की परीक्षा हुआ करती थी, और उसमें साहित्य रत्न की परीक्षा में लगभग बहुत सारी कामायनी भी आती थी और भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ते थे। तो मैं हाई स्कूल के विद्यार्थी के रूप में, जहाँ एक तरफ साइंस मेरे पास थी, वहाँ मैं साहित्य का भी, मुझे उतनी रुचि थी साहित्य में, और कामायनी में उन दिनों पढ़ गया, प्रेमचंद पढ़ गया, बहुत सारे साहित्य पढ़ गया, गीतांजलि पढ़ी उन्हीं दिनों, बहुत पढ़ने में, क्योंकि उस वक्त लिखना कम था, पढ़ना ज़्यादा था। तो एक आयु, एक स्थिति होती है जिस समय आपको आपके पास पुस्तकें, चारों तरफ आपके पास पुस्तकें होती हैं, और पुस्तकें आप खरीद करके पढ़ते हैं, जो ऐसा नहीं था उस समय, उस वक्त भी बड़ी मुश्किल होती थी कि पुस्तकें में पैसा इतना नहीं होता था, लेकिन जो जेब खर्च मिलता था उससे हम लोग पुस्तकें ले आते थे, और हरिद्वार मेरे पास में, तो वहाँ पर ये सब, तो मुझे लगा कि जयशंकर प्रसाद ने जो बात कही है, एक पुरुष भीगे नैने उसे देख रहा था, प्रलय प्रभाव, बड़ा भारी तूफान और ये सब आता है, वो सब कोई उस याद देने लगा। हाँ जी, और उसके साथ ही मैंने एक मनवंतरों की पढ़ा था, शतपथ ब्राह्मण में जो कथा आती है वो, प्लस वो कथा जो वहाँ नहीं है, वह मनु एक नहीं 14 मनु हुए हैं, 14 में से 7वां मनु चल रहा है। पहला मनु जिसे कि हम स्वयंभू मनु कहते हैं, ये बिग बैंग की थ्योरी यहीं से शुरू होती है, ऑटोमेटिकली बॉर्न, और उससे लेकर के एक, और इस समय जो जो 7वां मनु चल रहा है, मतलब पूरा उस सब का मिला करके एक, ये एक कल्पना के माध्यम से मुझे लग रहा था कि मैं एक वो मनु बना, उस मनु की कल्पना मेरे मन में आई जो मनुस्मृति का जनक भी है। तो वहाँ से लेकर के, और देखिए स्वयंभू से लेकर के और वैवस्वत मनु तक की यात्रा मेरा मनु करता है, तय करता है, और फिर वो मनुस्मृति के मनु में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारी कास्ट सिस्टम, जो वर्ण व्यवस्था है, जिसके बारे में एक बहुत भारी, एक हमारे देश में प्रयोग भी होते रहे हैं, अब सोशल इंजीनियरिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में और जगह भी, समाज का एक उथल पुथल जो मची हुई है वो सब आप जानते हैं। अगर ये वो मनु, पहला वाला मनु जो जयशंकर प्रसाद वाला मनु को मैं साथ लेके चलता, तो बेचारा वो तो निर्वेद में चला जाता, तो वो तो मतलब उसकी स्थिति तो वहीं समाप्त हो जाती। तो मैंने कंटेम्प्रेरी मनु को के रूप में देखा, और फिर मुझे लगा कि ये जो वेद, उपनिषद, दर्शन, ये सब मैंने बचपन में पढ़े हैं सब, ये मुझे लगता था कि ये सब पढ़ने के बाद फिर मनुस्मृति पढ़ी मैंने, लेकिन मनुस्मृति में इंटरपोलेशंस बहुत हुए हैं, यत्र नारियस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनु कहता है, लेकिन जो उसके, ये मेरे अग्निसागर में सब किया है मैंने, अग्निसागर में जितना ये मनु कहता है, ये नारी और शूद्र,
दोनों के बारे में जो है, जो आज जो बड़े बहस चली जिसके ऊपर, और जो जहाँ मेरा मनो वहाँ से अलग हो जाता है, फिर वो किस तरह से वो जुड़ता है आज के कंटेम्परेरी मनो बन जाता है। तो मुझे लगा कि ये बहुत सी चीज़ें हम अपने जो काव्य के माध्यम से कह सकते हैं, एक अपनी जिस उसको पाठक तक या श्रोता तक पहुंचा सकते हैं या ऑडियंस तक पहुंच दे सकते हैं, उसके लिए मुझे वो मनो चाहिए था जो कंटेम्परेरी मनो बन जाए। इसलिए जब उसने मैं अगर सुनाऊं उसकी दो पंक्तियाँ, सुनना चाहेंगे क्या आप? जरूर जरूर। देखिए, यहाँ से श्रद्धा, ईरा और मनो तीनों हैं वही पात्र मेरे जो जो जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन वो जहाँ से मैंने कहा ना कि वो अलग हो जाते हैं और फिर वो ईरा नगर बन जाता है, श्रद्धा ग्राम है मेरी। श्रद्धा जो है वो आदिवासी या ग्रामीण संस्कृति की प्रतीक है। इसी तरह से जो मनु है वो मन है, मैनस है, वो तो कुरान में भी है, बाइबल में भी आता है, नूह है, वही नूह है, वो जल प्लावन जब हुआ था वो सारी कहानी तो अधिकांश हमारे दर्शकों को पता भी होगी, वहीं से शतपथ ब्राह्मण की कथा भी शुरू होती है। ये सारा मिला करके एक जो सामूहिक जो अध्ययन जिसे कहना समग्र अध्ययन समाज का और मानव का है, वह वही अग्निसागर है और उससे शुरू होता है। फिर ईरा नगर, ये जो ईरा बुद्धि का प्रतीक है, ये बुद्धि नगर थे, इराक वगैरह की बात मैंने कही है। इराक में क्या है कि वो सारे वो ये दजला फरात, वहीं पर मनु की नौका भी थी। अरे एक बड़ी लंबी कहानी है तो इसको में थोड़ी कल्पना भी है, लेकिन इसमें माइथोलॉजिकल स्टोरी भी हैं। लेकिन जिस समय शुरू होता है श्रद्धा, ये सीधा कम्युनिकेट करती है रचना, ये वो नहीं कहती कि पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, मेरा मनु एक महानगर में बैठा हुआ है। और वो श्रद्धा कहती है, मानो मनु अब लौट चलें घर, दम घुटता इस राजभवन में, बना दिया जिसको कारागृह इच्छाओं के कल्पित कर लें। और मनु कहते हैं, लौट चलूं क्या कहती श्रद्धे, नहीं पढ़ावो मुझे पलायन, मुझे जूझ लेने दो कल से, कल ही सुंदर कल ही नूतन। उसके बाद फिर वार्तालाप शुरू होता है। बोली श्रद्धा, सत्य ने यह है, सत्य ने बहता बीत चुका जो, सत्यम शिवम सुंदरम जग में, जीता बीता रीत चुका जो, जिसे सत्य माना तुमने मनु, चिर स्मृतियों में बंद किया था, निर्मित सामाजिक विधान कर मानव को संबंध दिया था, झूठे रिश्ते मिथ्या नाते, हर युग अपनी चाल चला है, नित नवीनता की उलझन में, मधुमाया ने पुनः चला है, स्वप्न सत्य में सोते जगते, श्रद्धा और न कुछ कह पाई, गगन घिर गया निपट तमस से, और भयानक झंझा आई। देखिए झंझा आती है, वो बहुत शॉर्ट में मैंने ये बात कही है क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कामायनी जितनी बड़ी रचना पढ़ने के लिए, इसलिए अग्निसागर में ये इसमें आ गया, सागरमाथा में भी आ गई है रचना ये। बादल गरजे चमकी बिजली, धरती से अंबर तक जल था, कल तक जो जल जीवन में था, अब प्रलयंकर दावानल था, नदियों की विकराल बाढ़ ने तट खा डाले, विश्व डुबोया, हिमनद ने हिमगिरी से लेकर सागर तक तूफान उठाया, त्राही त्राही मच गई धरा पर, उजड़ी बस्ती गांव नगर सब, निरख रही थी श्रद्धा भय से, संस्कृतियों के धंसते वैभव। मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ आगे, अब मनु ने क्या हुआ, लेकिन मैं इसको इसलिए छंदोबद्ध है ये पहली रचना, फिर उसके बाद छंद टूटता है, और लेकिन अभी छंद ही चल रहा है। भोगा कितनी बार बवंडर आए, कितनी बार हुआ जग जर्जर, कितनी बार हिमालय पहुँचे मनु श्रद्धा तक तरणी खेकर, भोगा आदि पुरुष का जीवन, कितनी बार गुहा गृह रचकर, लीलाएं देखी विनाश की, आंखें भर आंसू के सागर, किंतु आज की प्रलय अनूठी, मनवंतर से फिर मनवंतर। मनवंतर होता है 71 चतुर्युगी का होता है, चार युग का एक चतुर्युगी होती है, सतयुग त्रेता ये सब मिला करके फिर यहाँ तो फिर वो शुरू हो जाएगा गणित, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ अपनी बात को। किंतु आज की प्रलय अनूठी, मनवंतर से फिर मनवंतर, ब्रह्म दिवस के बाद बड़ा था ब्रह्म दिवस, ब्रह्म रात्रि का व्यापक अंतर, कुहरा कभी न छट पाता था, बरसों बरसा बर्फीला घन, झेल रहा था शीत थपेड़े, भूतल का अवचेतन तन मन, एक रूपता ने धरती के कलमश धोए, पाप बहाए, वर्गों उपवर्गों के गहरे ऊंच नीच के भेद मिटाए। अब ये पहला ही सर्ग है ये,
जो ब्रह्मरात्रि के नाम से चला है ये, लेकिन यहाँ की यहाँ भाषा बदल गई है। प्रसाद की वसुंधरा की, वसुंधरा भी विश्वम्भरा भी एक पुस्तक है, इसी प्रकार की तीन चार पुस्तकें आई थी उन दिनों। जल में हुई विलीन विषमता, शेष रहा संभाव निशा में, जड़ चेतन सब एक पुरुष में, नारीश्वर थे दसों दिशा में। ये पहला सर्ग है जो आगे चलता है, फिर उसके बाद वो मनु पश्चाताप करते हैं अंत में। फिर मैं समझता हूँ आप कुछ और पूछना चाहेंगे शायद। इस पर पूछना चाहते हैं कि जब पुस्तक लिखी गई और अब आपके हाथ में है, सब लोग इसको चाह रहे हैं जी, अगर अभी आपको मौका मिलता तो इसमें क्या सुधार आप करते या इसको और किस रूप में आप देखना चाहते? देखिए आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ सामने तैयार हो जाता है तो उसके बाद लोग सोचता है कि इसको और इस तरह कर दिए होते तो अच्छा होता, तो क्या वैसी भावना आपकी भी है या इससे विपरीत है? देखिए मैंने इसमें 7 वर्ष लगाए, एक ये जो जो भी रचनाएं जो इस प्रकार की परिपक्व रचनाएं आती हैं बहुत समय मांगती हैं। ये मैं निदेशक हो गया था, बचपन से तो वो भरा हुआ था सारा, जितना भी आर्ष ग्रंथ थे और ये फिर आदिवासी, मैं चूँकि मेरा एंथ्रोपोलॉजी में मैंने डॉक्टरेट किया और उसके साथ क्या है को जनजाति में जाना पड़ा। जनजाति में जब देखा मैंने तो वहाँ का एक विचित्र समाज था, एक अजीब और गरीब रीति रिवाज थे, उनके बीच रहना भी अपने आप में एक अजूबा था मेरे लिए भी। लेकिन मैं गया फिर धर्मयुग वगैरह में, धर्मयुग में साप्ताहिक में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लिखा, अंग्रेजी में लिखा खूब, हिंदुस्तान टाइम्स में सीरीज में मेरी वो ट्राइबल वीमेन ऑफ इंडिया नाम से पूरी सीरीज आई। अभी हाल ही में मैं विश्व वहाँ गया था, ये हंगरी में गया था, हंगरी में तो पिछले दिनों ये एक अखबार वालों ने पूरी सीरीज छापी। तो ये भी जो रचना थी ये इसी तरह से उभरी, मैंने इसको छपने से पहले इसको मैंने कई संस्थाओं में इसको इसका पाठ हुआ, पत्र पत्रिकाओं में छपी, उसके बाद फिर मुझे सुझाव भी आए और सुझाव के इसलिए मैंने इसको चीर फाड़ कर बाद में होती है ना, उससे पहले चीर फाड़ इस पर हो चुकी है। और जयशंकर प्रसाद के जो सुपुत्र हैं उनको भी मैंने इसका एक प्रति भेजी थी कि भैया पहले ये फाइनल करने से पहले आप इस पर चर्चा करो, कादम्बिनी में इसके ऊपर आया और बहुत सारे अखबारों में पत्र पत्रिकाओं में खूब छपा, तो इसलिए मुझे इससे बहुत संतोष है। इसीलिए शायद इस पर इतना काम भी हुआ है, विश्वविद्यालयों ने नोटिस लिया इस पर, क्योंकि मनु का पश्चाताप कराया मैंने, मतलब बीच में फिर प्रकृति के चित्र हैं बहुत घूमते हैं ये, जैसे ना अभी झंझाई तूफान आया, लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद मनवंतर चला, अगला मनवंतर आया। मनवंतर जो है एक मनवंतर मैंने बताया ना, 71 चतुर्युगी का चार युग का एक चतुर्युगी होती है, जैसे आप हम मानते हैं 4 लाख साल का, 4 लाख वर्ष का कलयुग होता है, उससे दुगुना द्वापर होता है, उससे दुगुना फिर त्रेता होता है, फिर उससे दुगुना फिर सतयुग होता है। तो इस तरह से जो हमारे युग की कल्पना है, यानी कुछ भी है चार युग की है, चार युग को फिर हम चतुर्युगी कहते हैं, उसको फिर हम 71 होते हैं, 71 उनका एक मनवंतर होता है। तो सोचिए एक मनवंतर में चल रहा है मनु, तो कितना रहा होगा, क्या रहा होगा? वो शुंगकालीन स्मृति है, वो अलग है, वो तो बाद में आती है, तो उसकी छाया हो सकती है, उसकी बहुत सी चीज़ें हमने मुझसे ली हैं, मैंने और भी ग्रंथों से लिया है इसमें, ये नहीं खाली एक ही ग्रंथ है। निराला ने कहा था कि एक पुस्तक लिखने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़नी चाहिए, सैकड़ों, उन्होंने तो बल्कि वो निराला ये कहते थे, जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी निराला, तो औरों की तो बात क्या है। तो इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी चीज़ कब देंगे आप? अब खाली तो ये तो है नहीं कि ठीक है मेरी और रचनाएं हैं, उसमें मनमुटाव की भी है। अब वो कई सारी पुस्तकें हैं जो उनमें देखेंगे आप, शिलानगर में वो अलग किस्म की रचनाएं हैं, एक ये लोग, हाँ कई पुस्तकें हैं, तो अलग अलग ढंग की हर एक पुस्तक की अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना वो विषय वस्तु होती है। नॉर्मेट्स ऑफ हिमालय, रोमा, जिप्सी वर्ल्ड, ट्राइबल वीमेन ऑफ इंडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब, हिमालय का है और नेहरू एंड द ट्राइबल, रोमा इंसाइक्लोपीडिया का इंडिका, भारत के आयावर और गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश,
तो इन सारे इतने पुस्तकों आप इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि प्रकृति के गोद में जो लोग रहते हैं ट्राइब्स, और वही आपका शोध का भी विषय रहा था, गद्दी ट्राइब हिमाचल प्रदेश। तो आपको लगता है कि उनके जीवन में किस चीज की कमी खास करके आपको देखने को मिला? और क्योंकि जो साहित्यकार होता है एक तो केवल ऊपरी तौर पे नहीं देखता बल्कि अंदर के चीज़ों को भी समझने की कोशिश के भावनाओं के स्तर पे, उसके ज़रूरतों के स्तर पे, आकांक्षाओं के स्तर पर, सभी स्तर पर उतर के उनको समझने की कोशिश करता है। तो आपका जो एक्सप्लेनेशन एज ए सोशियोलॉजिस्ट जो आपने रिसर्च किया वो, और एक साहित्यकार के तौर पर, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेज है, ये जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए साहित्यकार भी समाजशास्त्र से जुड़ा होता है, जो कि समाज पर लिखता है। तो समाजशास्त्र का अगर वो क्लासिक अध्ययन नहीं करता तो कम से कम उसके बारे में वो जानता है, और जो समाजशास्त्र भी पढ़ता है उसका भी विद्यार्थी होता है या अध्येता होता है, उसका उसे वो दोहरा लाभ मिलता है। वह जीवन को अपने जो शुष्क डाटा उसे मिलते हैं उनमें वो रस भर देता है। तो रस कहाँ से आता है? वो साहित्य देता है। इसलिए मुझे लगा कि साहित्य में हम लोग जो नवरस हुआ करते थे, अब तो पता नहीं कितने रस हो गए हैं, अब तो मतलब अब वो बढ़ते जा रहे हैं। मूल तो वही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रस जिनकी निष्पत्ति होना बड़ा अब एक अलग विषय होता जा रहा है। चूँकि अब हम विश्व साहित्य की बात करने लगे हैं तो हमारे वहाँ पर मुझे याद है ये जो रोमा लोग हैं ना, ये जो रोमा विश्व के यायावर जो ये हैं, ये विषय जब आप पढ़ेंगे, ये भारत से गए थे 1000 साल पहले, और ये आज भी 40% शब्द इनके वो हिंदी में बोलते हैं, आँख नाक कान मुंह वगैरह। अब बताइए इतने दिन से हो रहे हैं, अब उनका जो साहित्य देखेंगे आप वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये भारत से गए हुए लोग हैं और इनका वो साहित्य जो 1000 साल पहले हिंदी लिखी जाती होगी वो है इसके अंदर। तो ये अब यहाँ रिसर्च काम आती है आपके। तो मुझे लगा कि अनुसंधान बहुत काम करता है और वो आपके लिए एक एक सहायक, एक पूरक की तरह से काम करता है। ये कोई अलग नहीं है, साहित्य समाजशास्त्र या ज्ञान साहित्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर उसमें आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे शायद ये कमी थी, ये मैंने इसमें पूरी कर दी। अब देखिए यही है मनु, जिस समय मनु यात्रा करता, मनु भी यायावर यहाँ पर बन गया, मनु यात्रा करता है, मनु और क्या करता है, वो जब ये देखता है कि उसके मनुस्मृति में ये 8वां अध्याय है, मैं एकदम बीच में छोड़ देता हूँ क्योंकि इतनी लंबी यात्रा जो है वो फिर नहीं हो पाएगी, हम इतने थोड़े समय में ये सब बात नहीं कह पाएंगे। तो मैं सीधा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो मनु यात्रा करता है, कभी श्रद्धा ले जाती, श्रद्धा तो उसकी पत्नी की प्रतीक भी है और वो एक गुण भी है श्रद्धा, उसी तरह से ईरा एक उसकी प्रेमिका का प्रतीक भी है और एक उसकी और वो एक बुद्धि की प्रतीक है, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि के सदैव दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा अपनी जगह है, बुद्धि अपनी जगह है, और दोनों का समावेश होता है तो एक एक, एक संपूर्ण मनुष्य उसको हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन उसका बनता है। क्योंकि लेकिन हाँ, तो उसमें मनु को वो भ्रम में जाती है, फिर यहाँ से दिखाया गया स्टार वार भी हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं किस तरह से वो मनु दुखी होता है, फिर वहाँ जाता है, फिर वो मनु एक राजा भी है, मनु मन भी है, मनु एक लेखक भी है, मनु कई रूप दिखाए हैं उसके, मनु एक पूर्ण पुरुष के रूप में मैंने उसको कोशिश की है कि पूर्ण पुरुष हम क्या उसे कह सकते हैं। और उसके बाद जो उसकी मनुस्मृति जो लिखता है, फिर एक मनु उसी में एक छाया बनती है, उसकी छाया, और फिर मनु श्रृंगकालीन मनु जो है उसकी मैंने थोड़ा मनुस्मृति का रूप भी दिखाया है। फिर उसके वो फिर निराश होता है, वो कहता है कि मेरे अर्थ के अनर्थ कर दिए हैं, क्योंकि उसमें सारे जो है ना वो असली रूप तो उसका कहीं और दे दिया है, लेकिन इसमें सब दिया है इसके अंदर कि वो उसने क्या कहा था उसका उस प्रक्षेप बन गए हैं। तो प्रक्षेप में कहता, मानव तुम्हें सौंप गया था मैं नव समाज को, ओह किया तुमने क्या, मैंने नहीं चाहा जो तुम्हें वही रास आया, त्रुटियां तुम्हारी थी भुगत रहा हूं मैं और जल रहा हूं मैं अब, धधकती आग में किसी अग्नि सागर में अग्नि का सागर बन।
ये वो कहता है आखिर में, मनु ने नकार दी स्मृतियाँ, बोले जो युग अनुकूल कहा, तुमने अपनी टीकाओं में उसको युग के प्रतिकूल किया, बदलो ये घृणित घिनौने अंश, अपने युग की भाषा बोलो, जीवन के बस 10 द्वारों पर धर्मों की परिभाषा बोलो, हर धर्म देश का होता है, अनुसार समय के ढलता है, सच्चा है धर्म वही जग में, मानवता हित जो पलता है। ये धर्म द्वितीय क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति के हैं, इसे कोई नहीं जानता, ये कोई बात ही नहीं करता, धैर्य रखो, मतलब ये तो यूनिवर्सल रिलीजन है और इसका कोई अलग से नहीं कहा, इसलिए फिर मनु अंत में चरैवेति का पथ अपनाते हैं, युग बीत गए चलते चलते फिर मनु यायावर बन जाते हैं। यही जो देखा ना अपने जीवन, क्योंकि कभी भी कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं में किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत तो होता ही, नहीं तो उसके बिना तो केवल कल्पना में साहित्य नहीं लिखा जाता, जो लोग कहते हैं खाली कल्पना, यह गलत है, कहीं ना कहीं आप होते हैं उसमें। तो इसीलिए चरैवेति मेरा अंतिम है, बस इसके बाद फिर हम दूसरी बातें करेंगे। आप बात कर रहे थे कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, हाँ जी, तो दो बात, एक तो आपके इस पुस्तक पे सीरियल्स भी बने हैं। जी सीरियल बने, दस एपिसोड आए थे 92 में, 93 में। उस सीरियल से मैं आपको क्या लगा, इस जो आपके इसके अंदर जो लिखा गया है उसको परोसा गया या अर्थ को अनर्थ कर दिया गया, एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न है कि आपका नाम रखने के प्रति, अग्निसागर आपने इस पर नाम रखा और दूसरा कादम्बिनी का माइनिंग नाम रखा गया था, तो नाम रखने के प्रति क्या आपकी सोच थी? देखिए अमरेंद्र जी, कामायनी अपनी जगह है और कामायनी से प्रेरणा लेकर एक आई हैं, अच्छा धन्यवाद, प्रेरणा लेकर के हम अगर कहीं समाज को कुछ दे सकते हैं तो उसके लिए फिर आपको समाज शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है और समाज शास्त्र में मनुस्मृति जैसा ग्रंथ, क्योंकि मनु इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट सोशियोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना समाजशास्त्री वही माना जाता है, जिसने धर्म के 10 लक्षण दिए थे, मैंने अभी बताया था आपसे पहले आने से पहले, तो धर्म के 10 लक्षण जो हैं, दोबारा फिर दोहरा देता हूँ, धृति क्षमा दमोस्तेम शौच इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण बताए थे और इनको इनके साथ क्या हुआ कि मनु को किसी और रूप में प्रस्तुत किया गया और उसकी जो असली शिक्षा थी या असली जो उनकी स्मृति थी उसमें प्रक्षेप कर दिए गए, ये अग्निसागर को कहना था, अग्निसागर के लेखक को, और इसीलिए वो अंतिम जो अध्याय है इसका और उसमें सारा जो भी मैंने आपको बताया कि ये वो कहते हैं, यहाँ देखिए देखिए मनु का पश्चाताप कहता है, मनु ने समाज को समझा था, बाहर भीतर से झांका था, गुण कर्मों के आधारों पर चारों वर्णों में बांटा था, गुण कर्म बदल जाते थे जब वे वर्ण बदल जाते थे तब, यदि ये मैं ये एक अध्याय है यहाँ शुरू होता है, और मैंने कब कहाँ व्यवस्था दी है जाति जन्म पर आधारित, मैं बीच बीच में कुछ अंश पढ़ रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा, पूरा पढ़ने में तो बहुत समय चाहिए, इसलिए ये अंश कहीं कहीं, चूँकि वो कामायनी का मनु चला था और कामायनी के मनु से पहला मनु जो कि स्वयंभू मनु था, जो कि बिग बैंग की थ्योरी जहाँ से शुरू होती है, ऑटोमेटिकली बॉर्न स्वयंभू, तो वो भी मनु था और वैवस्वत मनु जो इस वक्त चल रहा है, तो इस तरह से 7 मनु जो 8वां मनु इस प्रकार की यात्रा तय करके फिर वो मनु शब्द ये क्यों आ जाता है आज के मनु बनने के लिए, यही समाज से जुड़ता है, यही कामायनी का से लेकर ये अलग होता है और फिर वो तुमने जो ये मैंने कब कहा कि नारी या शूद्रों को अधिकार नहीं है पढ़ने का, श्रुतियों को सुनने मनने का, मैंने कब कहा, ये सब एक प्रश्न कर रहा है वो, पश्चाताप कर रहा है और वो कहता है तुमने जो वर्ण व्यवस्था दी वे वर्ण व्यवस्था गणित हुई, अब वर्ण नहीं जन्मी विकसी जातियाँ जाति थी जाति नहीं, तोड़ा मानव को जी भर कर जोड़ा केवल, अब ये मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पर और इसके बाद में कहते हैं वो, मैं अच्छा हुआ उन्होंने मनु ने नकार दी स्मृतियाँ, बोले जो युग अनुकूल कहा, मैंने अभी सुनाया था आपको, मेरा ख्याल है ये फिर यायावरी पे आ जाता है,
क्योंकि हम लोग सभी आयावर, उपनिषद भी यही कहता है। अब इस अग्निसागर के ऊपर अन्य विद्वज्जन का क्या कहना है, स्टूडियो में वो लोग भी हैं, डॉक्टर महेंद्र कंबोज जी हैं, श्री विनोद बब्बर जी हैं। तो सबसे पहले मैं श्री विनोद बब्बर जी से जानना चाहूँगा कि आपने सागर माथा और अग्निसागर की को आपने पढ़ा है, तो आपका आपका क्या राय है इन पुस्तकों के प्रति? देखिए, हमारी भारतीय मनीषा का मानना है कि जो शब्द मानव मन को आंदोलित करते हैं वो कविता है। अब कविता यदि उसमें युग धर्म हो, उसमें प्रखरता हो, तो उसे ऐतिहासिक माना जाता है। जहाँ तक इस सागर माथा की कविताओं का प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी की, इनकी सभी कविताओं को देखने से, पढ़ने से ये बात एक बिल्कुल सामने आती है कि उन्होंने पूरे समाज की जो समस्याएं हैं उनका चिंतन किया है, विश्व परिदृश्य के अंदर देखा है, भारत के जो लोग विदेशों में गए हैं उनका अपनी देश अपनी संस्कृति के साथ लगाव के विषय सामने आए हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि रोमा संस्कृति के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने उस पर बहुत काम किया है और जब जब ये विदेश गए वहाँ रोमा को की बात की, इन कविताओं में रोमा का भी जिक्र है। और एक स्थान पर तो जब ये कहा गया कि जब मैं पश्चिम में जितना आगे बढ़ता हूँ अपने पूर्व से उतना ही और जुड़ जाता हूँ, विदेश से स्वदेश को कितना निकट करती हैं दिक्काल की दूरियाँ। वो लोग जो पश्चिम की मृग मरीचिका की ओर भाग रहे हैं, यहाँ संदर्भ वो हो सकता है ये यावरी जो 1995 में प्रकाशित हुई थी उसकी रचना है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करूँ कि ये सागर माथा डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी की प्रतिनिधि कविताएं हैं। अब तक बहुत से ग्रंथ प्रकाशित हुए और जो एक सामान्य पाठक है उसके लिए उन ग्रंथों को खरीद पाना और उनको पढ़ पाना संभव नहीं था। इसके लिए डॉक्टर साहब के जो प्रशंसक और जो उनके संस्कृति प्रेम से प्रभावित लोग थे उनका आग्रह था कि एक प्रतिनिधि रचनाओं का एक छोटा सा संकलन आना चाहिए जो आम व्यक्ति भी पढ़ सके, जो उसका मूल्य बहुत अधिक ना हो, उसमें श्रम बहुत अधिक उसको ना लगे। तो इन कविताओं के अंदर सागर माथा में इन सभी चीज़ों को लिया है। यहाँ केवल उन सामाजिक परिदृश्य की बात नहीं की, यहाँ माँ की बात भी की है, भ्रूण हत्या की बात भी की है, संस्कृति प्रेम पेड़ पौधों सभी का इसमें उल्लेख सागर माथा में। प्रकृतिवादी कवि तो हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हैं। तो अब डॉक्टर महेंद्र कंबोज जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपका इन जो विषय वस्तु और व्यक्तित्व, इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूंगा कि चेहरे पर रवि तेज है, चेहरे पर रवि तेज है, अधरों पर शशि मुस्कान, और श्याम सिंह जी हैं हमारे साहित्य के दिनमान। वास्तव में हम सभी हिंदी के पाठकों के लिए, साहित्य के अनुरागियों के लिए ये सागर माथा जो संकलन आया है ये हमारे साथ इन्होंने न्याय किया है। अभी तक हमारे साथ अन्याय होता था, हम चूंकि पढ़ नहीं पाते थे, इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी, न पुस्तकें उपलब्ध होती थी हर पाठक को, तो उसमें से चयनित कविताएं इस सागर माथा में दी गई हैं और करीब 92-93 कविताएं इसके अंदर आ गई हैं 52-53 पृष्ठों पर। तो ये बहुत श्रेष्ठ कार्य एक हुआ है और मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि इस समय देश के और समाज के साथ और सामाजिक विसंगतियों से निजात पाने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने के वाहक के रूप में डॉक्टर शशि जी को हम याद करते हैं। साधारण जमीन से उत्पन्न होने के बाद और उससे अंत तक जब वो आज साहित्य के शिखर पर हैं, तब भी उस परिवेश से जुड़े हैं, उसकी समस्याओं से जुड़े हैं और उसको हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल सफल भी है। मैं ये कहना चाहूंगा व्यक्ति पूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास अगर हो तो निश्चित रूप से उस पूर्णता को की दहलीज को छू लेने का काम हम अवश्य कर सकते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर शशि जी ने वो काम किया है। और इस सागर माथा में बस एक छोटा सा निवेदन ये है कि सागर माथा पर थोड़ा और इसका कलेवर बड़ा हो जाता और इसमें और रचनाएं भी आ जाती, या इन रचनाओं को थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता, खुलासे से आ जाती,
तो पाठकों के लिए और अच्छा होता, क्योंकि इसमें थोड़े में ज्यादा समाहित करने का प्रयास किया गया है, वो लालच गागर में सागर जो इसमें अब है। फिर से एक बार डॉक्टर श्याम सिंह सिंह के पास आते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शुरू से ही आपको बड़े बड़े साहित्यकार डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और कई जाने माने साहित्यकारों से मिलने का मौका मिलना, उनका आशीर्वाद मिला, उससे आपको क्या लाभ मिला और उनके सम आज इतने वर्षों के बाद आपने की रचना को लेकर भी काफ़ी काम हो रहा है विश्वविद्यालय में और लोग पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगता है, क्या उनसे सीखें और आने वाले पीढ़ियों को आप क्या सिखाना चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लेखन में यदि सोदेश्यता नहीं है तो कागज़ काले पीले करने से कोई लाभ नहीं है। यदि साहित्य समाज को कुछ नहीं देता और साहित्य से उसका समाज से उसका सरोकार नहीं है, ऐसा साहित्य मैं उसे साहित्य की श्रेणी में, एक अच्छे साहित्य की श्रेणी में, एक सात्विक साहित्य की श्रेणी में या एक शुद्ध साहित्य की श्रेणी में नहीं रखना चाहूँगा। ये मैं आज की जो नई पीढ़ी है उनको भी एक संदेश देना चाहूँगा कि साहित्य कोई शॉर्टकट नहीं होता है, साधना शॉर्टकट नहीं होती है। इसमें जितना अधिक पढ़ना, लिखना, देखना, वर्तमान साहित्य को, प्राचीन साहित्य को, विश्व साहित्य को, इस सब को भी देखना चाहिए। खाली व्यक्ति बिना पढ़े वो ये सोचता रहे कि मैं वेद वाक्य लिख रहा हूँ, ये गलत है। उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी विनोद जी बैठे हैं, कम्बोज जी हैं, आए हैं अभी, मैं अक्सर इनसे भी कई बार चर्चा हुई है मेरी, और भी मेरे बहुत से पाठक हैं, मित्र पाठक हैं, वे हमेशा ये पूछते हैं कि ये इतना सब करने की आवश्यकता क्या है। एक तरफ बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ, मेरी करीब 20-25 पुस्तकें बच्चों के लिए भी हैं, क्योंकि मैंने एक तरफ काव्य चल रहा है, एक तरफ अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया चल रहे हैं, एक तरफ यायावर साहित्य चल रहा है, ये सब चीज़ें, और फिर पत्रकारिता भी जुड़ी हुई है। आप तो पत्रकार बैठे हैं यहाँ पे, दोनों ही पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता भी जीवन के साथ जुड़ी हुई है, और ये सब क्या हैं? तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सर्वांगीण जीवन जिसे कहना चाहिए, जीने के लिए ये सब आवश्यक है। आज इंटीग्रेटेड अप्रोच है जीवन की, हम केवल मैनिफेसेट के बिना काम नहीं चल सकता। आज केवल एक ही विषय से या एक ही आप धारा विशेष से या एक ही विचार को थोप नहीं सकते, सभी को साथ लेकर के चलना होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दहकते मैंने आग शुरू की थी ना तो अभी आग पर ही मैं समाप्त करता हूँ। मैंने कहा था जीवन में मेरी आग लगी, और अभी कह रहा हूँ आग भड़को मत, अभी जलो बुझो दबो सहो, वक्त की आंधी आएगी, आग अपने आप लग जाएगी। पर इस आस ने पूरी जिंदगी भून डाली, आखिरी आह तक झुलस डाली, कल किसने देखा है, हमने तो आज को पिसते देखा है। मेरे देश इस आज को बचा लो, टुकड़ों के लिए इसके टुकड़े मत बनाओ, वरना इस बार बड़े जोर की आंधी आएगी, तब आग भी नहीं बच पाएगी। मैं देखने तो नहीं आऊँगा, पर किसी अंगार में जरूर मिल जाऊँगा, मेरे आज ये शोले तुम्हें सौंपता हूँ, इन्हें राख मत होने देना, ये दहकते शब्द मेरी विरासत होंगे, आने वाले कल की ताकत होंगे, आने वाले कल की ताकत। बहुत अच्छा। आप लास्ट में जो विद्युत जैन है उनसे भी मैं पूछूंगा, जब आपने इनके पुस्तकों को, इनकी रचनाओं को पढ़ा तो आपने क्या संदेश लिया, किस तौर पर संदेश लिया जो ये देना चाहते हो, या इसके अधिक भी, या इससे किस तरह के संदेश, पहले कम्बोज जी से जानना चाहूँगा। इनसे संदेश ये मिलता है इनके साहित्य से कि साहित्य एक तो सहित धातु से बना है,
और सही धातु का अर्थ होता है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, मेल का काम करती है। तो जो साहित्य अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, मैं समझता हूँ कि साहित्य सबसे श्रेष्ठ साहित्य है। और शशि जी के साहित्य में वो बात मिलती है, क्योंकि एक सामान्य जन से लेकर के और एक उच्च वर्ग तक इनकी पहुंच रही है। इनके साहित्य की हर वर्ग का पाठक इनके साहित्य से जुड़ा है, इसीलिए इनका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तो है ही है। मैं तो ये एक बात और कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक बड़ा काम यह किया है, वो आपने 350 पुस्तकों के आप लेखक हैं, ये बात अपनी जगह है, लेकिन ये इन्हें 350 या 400 या 300 जितने भी वो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से हमको प्रेरणा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी आदरणीय डॉक्टर शशि जी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, वह हम पाठकों को एक संदेश देता है कि सहेज या पतझर के आघात कभी तो फागुन आएगा। वाह, सहेज या पतझर के आघात कभी तो फागुन आएगा, और जलाए रख देहरी पर दीप कभी तो फागुन आएगा। बहुत अच्छे। और नए लेखकों से भी हम कहना चाहेंगे इनके माध्यम से इनकी बात कि होते नहीं निराश लगन में जिनकी बल होता है, और संघर्षों में आशाओं का ही संबल होता है, तो छेड़ दे तान अरे रंगीन जमाना भी धुन गाएगा, जलाए रख देरी पर दीप कभी तो पाऊं। बहुत अच्छे। इस दृष्टि से हम इनके व्यक्तित्व को और इनके कृतित्व को देखते हैं। अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं आखिर में बहुत संक्षिप्त में श्री विनोद बब्बर जी से जानना चाहूँगा, और आज के कार्यक्रम को खत्म करेंगे डॉक्टर साहब की ही एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक सपनों का सफर है उससे। तो उसको शुरू करने के पहले श्री विनोद बब्बर जी से जानना चाहता हूँ कि आपने क्या संदेश लिया है इनके पुस्तकों से। देखिए, जैसे हमारे शशि जी, शशि की बात करें तो शशि की विभिन्न पक्ष होते हैं, कलाएं होती हैं, घटती बढ़ती हैं। तो शशि जी के साहित्य में समाज के विभिन्न पक्षों की, विभिन्न कलाओं की बात है। यहाँ कृष्ण पक्ष है तो श्याम पक्ष भी है। ये नहीं है कि हमारे समाज में, हमारे देश में सब कुछ सही है। जहाँ श्याम पक्ष है, वहाँ इस सागर माथा की रचनाओं से के माध्यम से संदेश दिया हुआ है, उसमें सुधार की बात की गई है। जैसे हमारे समाज के अंदर असमानता की बात है, ये हमारा श्याम पक्ष है, समाज चिंतन कर रहा है इस पर। शशि जी की रचनाएं इसके लिए हमें आंदोलित करती हैं। जहाँ कृष्ण पक्ष की बात आती है, संस्कृति के जो गुण हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उसको ये ग्रंथ विश्व पटल पर स्थापित करता है। और शशि जी की जहाँ तक सवाल है, मैंने आरंभ में ही कहा कि शशि हैं, विभिन्न पक्ष हैं, तो जैसा इनका जीवन संघर्ष रहा है, जिन जिन पदों से गुजरते हुए यहाँ तक आए, 2 वर्ष तक बेड पर पड़े स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के कारण से, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि तुझ में हीरे की चमक है तो अंधेरों से दोस्ती कर ले, वरना कांच के टुकड़े भी चमकते हैं उजालों में। तो आप जीवन के अंधेरों से गुजरे हैं और यहाँ तक अपनी चमक फैलाने में सागर माथा और अन्य ग्रंथों के माध्यम से सफल हुए हैं। ये जो कुछ शशि जी के लिए कहा जाए, ये कुछ घंटों या कुछ मिनटों में नहीं है, वर्षों बीत जाएं उनको कहने के लिए। शशि जी तो कहा ही करते हैं कि लोग कुछ लिखते हैं तो सदियों गाते हैं, और यहाँ इतना कुछ लिखा तो उसकी बात नहीं करते। शशि जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं उसी को दोहराना चाहता हूँ कि वे 2 अक्षर लिखते हैं तो उम्र भर गाते हैं, और हम पोथियाँ लिखते हैं एक उम्र दे जाते हैं। सो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आज का चर्चा काफ़ी हम सब लोग के लिए लाभदायक रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने सुना, आप सबको भी धन्यवाद। और आपकी ओर से सारे विद्वतजन जो यहाँ आए हैं, श्री विनोद बब्बर जी, डॉक्टर महेंद्र काम्बोज जी और खुद डॉक्टर श्याम सिंह शशि, उनको भी धन्यवाद। और लेकिन आज के कार्यक्रम को ख़त्म करने के पहले हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, प्रसिद्ध मुक्तक सपनों का सफ़र को खुद डॉक्टर श्याम सिंह शशि सुनाएंगे, और उसके साथ ही हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और साहित्य के यात्रा में आगे की ओर अपना कदम रखेंगे। सो मैं आग्रह करता हूं कि डॉक्टर साहब अपने सपनों का सफ़र को सुनाएं और हम लोग कार्यक्रम आज विराम दें। धन्यवाद। हमने अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है, हमने अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है, दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ है। हमने सवाल किया बंधु सारा जहाँ कहाँ है, दर का जवाब था प्यार जहाँ जहाँ है, प्यार जहाँ जहाँ। धन्यवाद।
हैं।